एक खूबसूरत नौजवान, एक लड़का, नया वो नहीं था जिसकी अभी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी, और उनसे बात करते हैं। उनका नाम है जी नवीद खान। जो यूके का जो जितना काम था ना वो मेरे अंडर था, सारा आपके अंडर होता है। तो ऐड किस चीज़ का था? जो अच्छा ऐड था, ये रेस्टोरेंट का ऐड था, क्या सोहेल अहमद, सोहेल अहमद साहब के साथ किया था, एक आशिम महमूद के साथ किया था। इसके अलावा मैंने प्रोडक्शन इंडिया की दो मूवीज़ प्रोडक्शन टीम के साथ काम किया था, एक में मैंने आर्ट में काम किया था, एक फिल्म आई थी अमावस। मोहम्मद अली साहब, क्या बात है, जहाँ खड़े हो जाते थे कोई नज़र ही नहीं आता था। नदीम साहब हमारे साथ बैठते थे और हमारे साथ बातें करके हमें अपने साथ फ्री किया, और ये हमने उनसे सीखा। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, और मैं आपको गेस्ट इन हाउस में वेलकम करता हूँ। गेस्ट इन हाउस का वक्त शुरू हुआ चाहता है। आज एक मेहमान मेरे हाथ लगे हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। तो मैं कहना उन्होंने फाड़ लो अज तो पहले कि वापस निकल जाना। अच्छा जी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करें। आप फ़ोन को पकड़ो, ऐंज ना करो, सीधा करो। हाँ ठीक है, नीचे लेके आएँ, मेरे पेज पे आएँ, यस आ गए, सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ, दबा दिया, वेरी गुड। घंटी बन, तीन घंटियाँ बनी होंगी, सबसे ऊपर वाली को दबाएँ जिस पे सात दो लाइनें भी यूँ बनी हुई हैं, ये क्या काम, पिन करके दबाएँ, दबा दिया, गुड। अब फ़ोन को यूँ करें और शो शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज के मेहमान गेस्ट इन हाउस में दूर से आए हैं, यानी कि लंदन से आए हैं, और बड़े अच्छे मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, और हमने इकट्ठे काम किया, इन्होंने फिर बहुत सारा काम किया, और वो नहीं कहते बड़ा काम किया है, फिर बड़ा ही काम किया है, तो इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं जी। उनसे बात करते हैं। हमारी एक फ़िल्म थी मैडम शमीमारा की, आखिरी फ़िल्म थी, अल्लाह उन्हें जन्नत अलफरदोस में जगह दे, बहुत ही प्यारी खातून, बड़ी यादें उनके साथ हमारी, बेतहाशा फिल्में, और ज़्यादातर सुपर डुपर हिट रीमा, बाबर अली, सऊद, रैम्बो, साहिबा, मीरा, रीमा, सारे उनके साथ काम करते रहे हैं हम लोग, बड़ी यादें हैं जी। अल्लाह उन्हें जन्नत अलफरदोस में जगह अता फरमाए। और हमने एक फ़िल्म की थी जी, उनकी आखिरी फ़िल्म थी वो, बीमारी की हालत में उन्होंने की थी, जब उनको फालज का अटैक हो चुका था, उसके बाद जब वो बेहतर हुई तो एक फ़िल्म उन्होंने की थी जिसका नाम था बुड्ढा बिगड़ा जाए। मुंडा बिगड़ा जाए तो आपने देखी होगी, बुड्ढा बिगड़ा जाए भी कुछ लोगों ने देखी होगी, क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में लगी थी जब हालात इंडस्ट्री के ज़रा डामाडोल हो रहे थे, और उसी शोर में वो कहीं ऐसे नीवी नीवी होके निकली गई, बहुत सारे लोगों को उसका पता भी नहीं चला। लेकिन इतना अच्छा म्यूज़िक, इतने मज़ेदार गाने, और वो सारी हमने लंदन में की, नहीं ग्लासगो में शूट की थी सबसे ज़्यादा, लंदन में भी की थी 20-25%, 75% फिल्म जो है वो ग्लासगो में शूट हुई थी। उसमें मेरे साथ एक खूबसूरत नौजवान, एक लड़का, नया वो नहीं था जिसकी अभी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी, और उनसे बात करते हैं। उनका नाम है जी नवीद खान। अस्सलाम वालेकुम, नवीद कैसे हैं आप? यार बखैर रागले संगे जोड़ तगड़े ठीक है। मैंने कहा आपको खुश आमदेद, थैंक यू, पश्तो में मैंने कहा है। सारी हमारी अपनी ज़बानें हमें सीखना चाहिए, कम से कम वेलकम और शुक्रिया तो सीखना चाहिए ना। अभी मैं किसी सिंधी भाई को, अपने दोस्त को, और बलोची भाई को, किसी को फ़ोन करके ना ये मैं लफ्ज़ याद करता हूँ। जैसे मुझे कुछ स्पेनिश के वर्ड्स आते हैं, जैसे मुझे कुछ गुजराती स्पेनिश में क्या कहते हैं, थैंक यू को मोस्ट ग्रेसियस, हां मोस्ट ग्रेसियस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, क्या कहते हैं, मोस्ट ग्रेसियस, मोस्ट ग्रेसियस, मोस्ट ग्रेसियस, 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 मोस्ट ग्रेसियस, मोस्ट ग्रेसियस, ठीक है। क्योंकि जी नवीद माशाल्लाह ये बहुत जाते हैं जी यूरोप छुट्टियाँ, और हमें तो यूरोप और लंदन एक जैसा लगता है, लेकिन जो लंदन वाले हैं ना, यूके वाले हैं, वो गर्मियों की छुट्टियों में यूरोप चले जाते हैं, और यूरोप वाले जितने भी हैं, फ्रांस, जर्मनी, इधर उधर हॉलैंड, और वो सारे लंदन आ जाते हैं। हमें तो एक जैसा ही लगता है, आपको क्या उसमें तब्दीली नज़र आती है? कुछ खास तब्दीली नहीं, क्योंकि हमारी तो एक किस्म का सेम ही लगता है, सेम ही बिल्डिंग्स हैं, वैसे ही रोड्स हैं, वैसे ही लोग हैं। नहीं, इसलिए ज़्यादा ट्रैवल मिडिल ईस्ट की तरफ करते हैं ज़्यादा। अच्छा, मिडिल ईस्ट की तरफ आप आ जाते हैं, जैसे इज्जत रहते हैं, जैसे मोरक्को चले जाते हैं, लोकल लोग चेंजिंग हो जाती है उनके लिए, चेंजिंग हो जाती है, डेजर्ट मिल जाता है कुछ तो। अच्छा खैर, बुड्ढा बिगड़ा जाए आपने डेब्यू किया था, यस वो पहली फिल्म थी, पहली फिल्म थी, और सीखने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। मैडम शमीमारा
जैसे डायरेक्टर के साथ आपने काम कर लिया, वो तो गुस्से होती ही नहीं थी, प्यार से ही बात करती थी, प्यार से ही काम करती थी, डांटती थी भी इतने थे बस करो, चुप करके बैठे हैं आप, चुप करें, बस इतना उनका गुस्सा था। अल्लाह जी जन्नत में जगह दे जी, क्या खूबसूरत यादें हैं। अच्छा वो डेब्यू था जी। उसके साथ आपकी हीरोइन थी वो अलीना भी नई नई आई थी और मेरे साथ थी उसमें, वो लंदन ही होती हैं आजकल। तो मज़ा आया ज़बरदस्त रहा, हमने काम इकट्ठे किया, बड़ी फाइट वाइट भी की, गाने भी हमने किए, और हसन मुराद साहब उसमें हमारे अब्बा जी बने हुए थे, हम दोनों थे उसमें, भाई थे, दोस्त थे, भाई थे, याद ही नहीं मेरे मेरे सिरे चिट मारो मेरी याददाश्त वापस आए, यादें भूल जाती हैं, याददाश्त नहीं रहती। अच्छा नहीं। उसके बाद हम करके आगे फिल्म लग गई, खैर उसके बाद हम एक दो दफ़ा गए, आपसे मुलाकात हुई, हर दफ़ा हम लंदन जाते हैं जी, वहाँ पे कैसर शाह साहब हैं मेरे बड़े अच्छे भाइयों की तरह जी, दोस्त अब कोई नहीं है इनमें से, और ये भी छोटे भाइयों की तरह हैं, अब इनकी लड़ाई हो रही थी है कि जी हमें कब टाइम मिलेगा। लेकिन कैसर अब्बास शाह साहब जो हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता जी कि मुझे कहीं ठहरने दें या पूरी मेरी फैमिली को, मेरी बेगम को ना कब। अच्छा वो कहते हैं जी अच्छा कहीं जाना है मैं लेके जाऊंगा, आप मिलें वापस आएं, मगर आप आते भी तो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए 15 दिन के लिए आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 15 दिन तो इन एंड आउट अप एंड डाउन पता ही नहीं चलता। अच्छा फिर हम जब यहाँ आए तो हमें एकदम पता चला, आपने मुझे मैसेज किया था कि मैंने एक ऐड किया, तो उसमें मैंने सुपरस्टार किंग स्टार किंग खान को देखा, शाहरुख खान को, तो दो की थी उसने, आपने शाहरुख साहब के साथ दो ऐड किए हैं, दोनों आपने लंदन में किए हैं, वो कैसे चांस मिला? चांस नहीं, क्या किया था, कोई सिफारिश लड़ाई थी कैसे काम किया? मैंने किया था, मेरी हमारी टीम है वहाँ पे, तो ऑर्गेनाइज हमने किया था। अच्छा हाँ, अच्छा आपका वहाँ एक प्रोडक्शन हाउस भी है, हमने ऑर्गेनाइज ही खुद किया था। आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जी? किया था हमने, वैमले रीना में भी किया था एक शो धूम 2009 के नाम से। अच्छा उसमें राहत अली खान, इब्राहिम हक भी थे, वो नवीर खान साहब ने ऑर्गेनाइज किया था, मगर मैं, हमारी पूरी टीम थी, आपकी पूरी टीम है, मिल मिला के थोड़े थोड़े तौर में डाल। अच्छा उसमें वो पहला शो किया था, फिर आतिफ असलम का भी किया था एम्स्टर्डम में, आतिफ साहब का क्या बात है, बड़े नाम है जी, रात आतिफ शहजादे हैं, एक और शान है पाकिस्तान की, एक और शो था अलका याग्निक का। अच्छा आपका वहाँ भी आना जाना है, पड़ोसी मुल्क में भी वहाँ भी आप जाते हैं, ठीक है। मेरी फैमिली थी कह सकते हैं गुजरात में, इंडियन गुजरात में। अच्छा आपकी उधर फैमिली भी है? हाँ। अच्छा आधे लोग आप इधर हैं आधे उधर हैं? हाँ, बैकग्राउंड जो था ना वहाँ से भी रिलेटेड। ठीक है, तो कैसे चांस मिला, आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने उन्हें साइन किया? साइन तो हमारी प्रोडक्शन टीम और भी थे बंदे जिन्होंने साइन किया था, जो हमारे जो यूके का जो जितना काम था ना वो मेरे अंडर था सारा। आपके अंडर होता है। तो ऐड किस चीज़ का था? जो अच्छा ऐड था ये रेस्टोरेंट का ऐड था, तो बस उनके साथ उनकी डिमांड ही यही थी कि मुझे आर्टिस्ट ही चाहिए। अच्छा दो ऐड उनके साथ किए आपने, तहलका आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने शायद शाहरुख साहब के साथ ऐड किए। हमारे यहाँ एक अब आजकल एक्टर हैं बहुत अच्छे सिंगर अदील चौधरी, उन्होंने भी किया था जाके शाहरुख साहब के साथ, मेरे सुनने में आया था, आई थिंक इंडिया के करने के लिए। हाँ जी वो इंडिया में करके आए थे, और उसके बाद यहाँ पे उन्हें हाथों हाथ लिया गया, पहले कोई पूछ नहीं रहा था, और शाहरुख साहब के साथ जैसे ही उन्होंने अपनी हल्की सी एंट्री डाली और यहाँ आए, तो हर मॉर्निंग शो में अदील चौधरी, अब तो हर ड्रामे में अदील चौधरी, और एक आध फिल्म भी उन्होंने कर ली, तो मतलब हर ड्रामे और फिल्म में आने के लिए तो एक आध झलकी एक्टर अगर उधर से मार के आ जाए तो उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। दरअसल मेरे कुछ मसरूफियात थी वहाँ पर जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान आ नहीं सका। अच्छा तो ऐसा चांस बन नहीं सका कि हाँ मेरा भी था दिल के बाद जाता पाकिस्तान में काम शुरू दोबारा शुरू कर देता, मगर कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी कि मैं नहीं कर सका, नहीं आ उसी वक्त आप आते अपना वो ऐड दिखाते, आपको हर चैनल ने ले लेना था, अब दोबारा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या वो ऐड लेके आओ दिखाओ तो इतना ही बहुत है। नहीं आपके इस शो में चल जाएगा, हैं शो में चलेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या किया फिर, गैप क्यों आया, इतना अरसा हो गया, अभी हम पिछले साल तो ये वबा फैली थी, नहीं उससे पिछले साल हम इकट्ठे ही थे लंदन में, तो हाँ तो कोई काम नहीं आ रहा नज़र, बीच में क्या करते रहे? इसमें मैंने दो ड्रामा सील किए थे। अच्छा एक था सोहेल अहमद, सोहेल अहमद साहब के साथ किया था, एक आशिफ महमूद के साथ किया था, सोहेल अहमद के साथ जो किया था, ड्रामा के नाम ड्रामा सीरियल के नाम था जुदा जुदा,
वो भी हमारा सर ग्लासगो से मैनचेस्टर में शूट हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद जो किया था कुछ अरसे बाद वो था ये काशिम महमूद के साथ था, आई थिंक तुमसे मिलने को या तुमसे मिलने के समथिंग ऐसा ना, काफ़ी वो भी किया था। ये किया हम फिर इसके बाद एक आई थिंक जब शाहरुख खान के एड से पहले मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस की थी, वहाँ पे एक फिल्म आई थी मैं एक दिन लौट कर आऊँगा। अच्छा अच्छा, हमारी सईद की थी वो। जी जी, हमारे वो बड़े गाने में मेरी एंट्री, नंबर डायरेक्टर अल्लाह जन्नत नसीब जावेद फाजल साहब, जावेद फाजल साहब की। जी 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 बिल्कुल, उसमें भी गेस्ट की थी। जी उसमें भी गेस्ट, वेरी गेस्ट भी वो, उसमें था मेरा गाना चेहरे बदल जाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद अमाइयों से रब्ता नहीं हुआ दोबारा? आजकल वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं, तो आप उनके साथ आप करो। हाँ, अगर दोबारा मौका मिला तो डेफिनेटली, मगर कुछ जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसे मसरूफियत में हो गया था, मसरूफ कुछ ऐसी जगहों पे, तो मेरा बिल्कुल गैप होता गया। इनके अलावा कुछ काम किया? यस, इसके अलावा मैंने प्रोडक्शन इंडिया की दो मूवीज़ प्रोडक्शन टीम के साथ काम किया था। एक में मैंने आर्ट में काम किया था, एक फिल्म आई थी अमावस 2018 में आई थी अपनी मूवी, उसमें क्या आर्ट डायरेक्टर के साथ थे आप, असिस्ट किया? असिस्ट किया था उसमें। अगर आप देखें, अगर उसमें काफ़ी कुछ हॉरर आपको स्टफ नज़र आएगा, काफ़ी मेरे आइडियाज़ थे उसमें। अच्छा, हाँ, उसने फिर हमने उसको एक कैसे होता है जैसे अपने लुक्स को, सीन को हॉरर में लेके जाना है। तो दूसरी फिल्म कौन सी थी? दूसरी थी हाउस ऑफ हॉरर में यूके ये इनकी जो अक्षय और पूरी टीम 1 2 3 4 वो भी देव। अच्छा, अबाउट 2 वीक्स का काम था। उसमें क्या किया? उसमें यूके प्रोडक्शन टीम के साथ जितना भी होता है ना हमारा पेपर वर्क होता है, जितना भी हमारा प्रोडक्शन काम जो होता है सारा, तो सेट पे मौजूद रहते थे। अच्छा, तो इसमें आप नज़र नहीं आ रहे? क्योंकि काम मेरा बिहाइंड द सीन, जैसे बिहाइंड द कैमरा था ना। अच्छा, हाँ, मेरा बहुत मसरूफ़ होते थे वहाँ पर, ये नहीं कि हमें टाइम मिल जाता था कि फ़ोटो खिंचवा लें, मतलब कि ये नहीं कि मैं उनको किसी का फ़ैन बन के वहाँ पे काम कर रहे थे, हमारा एक काम था। अच्छा, तो अगर जाती, अगर हमने अपने आप को ऐसा शो कर दी कि भाई सब मैं वीडियो फिल्म बनाना शुरू कर देता या कोई, तो वो काम में ध्यान नहीं लगता था फिर। अच्छा, वो वैसे भी मेरा ख्याल है मोबाइल की परमिशन होती थी टेक्नीशियन को मोबाइल रखने की, हमारे फोटोज किसी को अलाउड नहीं था किसी को, मगर क्योंकि हम एक पार्ट ऑफ टीम काम कर रहे थे। हाँ, तो पार्ट ऑफ टीम में ये नहीं होता था कि हम जैसे कि उनके को फैन बन के काम कर रहे, हम ऐसे टीम काम करते थे, टीम करते थे। तो जैसे जिस होटल में वो ठहरे हुए उसी होटल में हम भी ठहरे हुए, उससे हमारा अप एंड डाउन मिलना जुलना, एक दिन में कोई कहते ना 6 7 10 12 हो जाते थे, 20 बार। अच्छा, कैसा पाया शाहरुख खान साहब को और अक्षय साहब को और बाकी जितने आर्टिस्ट हैं? सर, शाहरुख खान इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी नाइस पर्सन। क्या बात है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। जो कहते हैं ना चुके बूटे नू बड़ा फल लगता है, वैसे ही नहीं भाई, वो किंग खान। हाँ, क्योंकि वो उनके अंदर वो मेरे कोई गुरु टाइप की कोई चीज़ नहीं रखी जैसे। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, माशाल्लाह। उनका मिलना बहुत नाइस था, बहुत। बाकी लोग, मेरी उनके काफ़ी बातचीत होती रही है, असल भी इनके साथ काफ़ी देर करता रहा, बातचीत भी काफ़ी हुई है, मगर बातचीत से इंसान से काफ़ी कुछ फील हो रहा था कि यार मैं किसके साथ बैठ गया हूँ, कितने रैम्बो कितने शाहरुख खान हैं, ये जेहन में नहीं आया रैम्बो के साथ काम किया, कितने शाहरुख खान हैं। हंस क्यों रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है यार, शाहरुख एक ब्रांड है, एक बहुत नाम है बड़ा, पूरी दुनिया में उनको जानते हैं, मुझे सिर्फ पाकिस्तान में लोग जानते हैं। जब फर्स्ट टाइम अभी 5-6 मिनट हुए थे जब मैं जैसे आपके साथ बात कर रहा था, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर रहा था उनके साथ में, घबराए हुए थे, क्योंकि लगता था ना कि कुछ कोई मतलब आर्टिस्ट के साथ आखिर उन्होंने इतना काम किया जिंदगी में। हाँ, तो जब आस्ता आस्ता जब उन्होंने, अच्छा ये नहीं कि मैंने उनसे ज़्यादा बात रखी, बातचीत उन्होंने ज़्यादा मुझसे रखी। अच्छा, उन्होंने की? हाँ, क्योंकि उनको लगता था कि ही डजंट वांट टू सिट लाइक दिस, मतलब कि वो मैंने वो ये मेरी जो ये अच्छे एक्टर की पहचान होती है, अच्छे आर्टिस्ट की, कि उसने जिसके साथ काम करना है पहले उसके साथ अपने साथ फ्री कर ले। और हमारे वक्तों में भी ये था कि हम नदीम साहब के साथ काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि नदीम साहब उधर अकेले बैठे हुए हैं, नदीम साहब हमारे साथ बैठते थे और हमारे साथ बातें करके हमें अपने साथ फ्री किया, और ये हमने उनसे सीखा। फिर हमारे बाद जब नए लड़के आए, नए लड़कियाँ आईं, तो अब सेट पर कई मेरी, मैंने 31 हीरोइनों के साथ काम किया, तो उसमें से मेन तो जो अब मुझसे पहले काम कर रही थी 6 7 ही थी, बाकी तो सब नई थी, तो मैंने भी उनके साथ इसी तरह जब सेट के ऊपर फ्री, पहले फ्री किया और फिर काम किया, होना ही चाहिए। तो वो काम अच्छा होता है, काम अच्छा होता है, काम भी अच्छा होता है। और ये था कि जैसे उनका मेरा बातें करते रहना और घुल मिल जाना तो काफ़ी अच्छा था। ये था ऑपर से जो डायरेक्टर था उसका एड का, वो भी नया था, उसका भी फर्स्ट। अच्छा, उनका भी पहला था, मतलब कि उसने जैसा वो कहता कि वो सुनते गए, ये नहीं कि वो आप वो खुद कह रहे, नहीं यार ये
इसको सुन दे के उन्होंने सीखा और अपना एक्ट करके आगे दिखा दिया इसमें। बस वो नहीं कहते थे ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, स्वीट वंस जैसे ओके क्या बोलना है जी बोला तो कर दिया, बीच में इंटरफेयर नहीं करना। हाँ, बस जब उन्होंने डायरेक्टर ने सारी बात की बैठ के सब कुछ लाइन जिस तरह सुनते गए सुनते गए सुनते गए, ठीक है कोई वो नहीं है, सुनने के बाद ये स्क्रिप्ट पढ़ा बस खत्म और काम किया उन्होंने। क्या बात है, वेरी गुड। बाकी लोग भी इसी तरह काम और कैसे काफ़ी किसी को भी मना नहीं किया फ़ोटो से, फ़ोटो से मना नहीं किया एनी वन, मतलब कि वो देखना एक कुछ कोई एल्बम लेकर आ गया कोई कुछ लेकर आ गया बस ठीक है थैंक यू, हाँ फोटो फोटो बस। क्या हुआ, मगर ये सिगरेट छुपाते रहे हैं, सिगरेट छुपाते थे हज़ार पब्लिकली नहीं पीना चाहते होंगे वो तो चेन स्मोकर हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं वो ही। चलें अच्छा खैर जी, तो खुश रहें जी, वो बहुत बड़ा नाम है जी, और कहते हैं ना कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, इसलिए पूरी दुनिया में एक्टर को पहचाना जाता है कि उसे सरहदों की ज़रूरत नहीं, वो बगैर वीज़े के चला जाता है दूसरे मुल्कों में। आपके आजकल तो मोबाइलों में पहुंच गए हैं, पहले टीवी स्क्रीन या सिनेमा की स्क्रीन पे आते थे एक्टर, और अब तो पूरी दुनिया के एक्टर आपके हाथ में ऐसे किया और उसे देख लिया। चलें जी आपका बड़ा, आपको लगता है जब आप उससे उनको मिलते हैं ना, क्या किसी को मिलें, किसी को मिलें डेफिनेटली आप कह सकते हैं। जिस तरह मैं अली साहब को मिला था ज़िंदगी में, दो दफ़ा मिला हूँ, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था घर आके, अच्छा मैं दिन रात बिजी उन दिनों में भी, तो मैं मिल के जब घर आया तो मुझे, मैं भी यही सोचे जा रहा हूँ मैं अली साहब से मिला हूँ। एक एक एक्टर का एक ऑरा होता है, एक टाइम मोहम्मद अली साहब क्या बात है, जहाँ खड़े हो जाते थे कोई नज़र ही नहीं आता था, जो इतना बड़ा मर्जी एक्टर हो। तो बाकी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए आने वाले अपने काम के लिए आपके, और करते रहें, अब छोड़ना नहीं है, अब आ गए तो आप पाकिस्तान में भी करो, वहाँ भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अवेल करो, तो अचानक एक करके ऐसे पर्दा फाड़ के सामने आ जाओ दोबारा, ये जो बीच में आया ना 5-6 साल का गैप, ये आना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया यार नवीद भाई, नवीद खान, थैंक यू जी। ये थे जी नवीद खान, इनका देखें कितना तजर्बा और इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा काम किया, बीच में अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से और अपने बिजनेस की वजह से टाइम नहीं दे सके, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं एक्टिंग भी की है, और अब दोबारा ज़रा कह रहे हैं मैं सीरियस होने जा रहा हूं, तो यहां अपने किसी काम से आए थे तो मैंने कहा कि पकड़ो यार पहले, इससे पहले कि परदेसी फिर उड़ जाए, परदेसी पंछी तो परदेसी दूर जाते जाते तो फिर पता नहीं कॉल नहीं आते, कुछ ऐसा है ना पंछी दे परदेसी। चलें जी बहुत शुक्रिया, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरा, अगर ये आपको शो अच्छा लगा है, ये इंटरव्यू अच्छा लगा है, तो मेरे शो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।